बेड़ो प्रखंड के हरहंजी गांव में 3 दिवसीय राम कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। चलो दीप जलाएं वहां जहां अभी भी अंधेरा है, मानव समाज कल्याण हेतु आगे बढ़ते जाना है। एकल सेवा धर्म हमारा, एकल पूजा कर्म हमारा। इनका उद्देश्य आदर्श सुशिक्षित स्वावलंबी आत्मनिर्भर ग्राम बनाना, धर्म संस्कृति की रक्षा, बच्चों को भारतीय संस्कार संस्कृति से अवगत कराना। एकल सेवा के माध्यम से जन जन तक गांव गांव में महिलाओं को बच्चों को संस्कार सिखाना एकल का मुख्य उद्देश्य है, कहना है एकल संच बेड़ो के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश प्रसाद का। इसी कड़ी में आज हरहंजी गांव में 3 दिवसीय राम कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया, जहां मुख्य रूप से आचार्य टिंकू सिंह जी, कथावाचक मनोज जी, मुकेश कुमार राय, भीखा उराव, सतसंग प्रमुख तिलक सिंह, ग्राम प्रमुख मनबोध सिंह, नीरज सिंह, नंदिया देवी, मंगा भगत, सोहराई मुंडा, पल्लवी कुमारी, बाल गोविंद सिंह शामिल हुए। सोना न्यूज बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। आपके परिवार या दोस्तों में किसी को धुंधला दिखाई देता है, बल्ब या रोशनी वाली चीजों के आसपास आभासी दिखाई देती है, रात को देखने में परेशानी होती है, या चीजें डबल दिखाई देती है, तो ये लक्षण मोतियाबिंद के हो सकते हैं। सिंहपुर नर्सिंग होम सिंहपुर मोरी रांची झारखंड के द्वारा आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन सिंहपुर नर्सिंग होम अस्पताल परिसर में ही किया जा रहा है, वो भी मात्र 4,000 रुपए में। अतः आप सभी से निवेदन है कि अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इस बात की जानकारी दें, ताकि जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना हो वो जल्द से जल्द आकर नामांकन करवाएं और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। प्रबंधन सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी रांची। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9431277155।